हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, और बड़े भाई बहनों आप पिता गुरुओं को चरण स्पर्श प्रणाम। मैं आपके सामने फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? माता रानी की कृपा से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, आज मैं हूँ घर पर, और देखिए मैं दिखा रहा हूँ लाइफ स्टाइल। और आज देखिए ईजा को हो गई गैस टाइप की। ईजा त्रिफला चूर्ण खा रही है, देखिए त्रिफला चूर्ण खा रही है। देखो ईजा की आज तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, और सब घर में चिंतित हैं। और लता भाभी और दीपा भाभी गए हैं कहीं गाँव में। और देखो ईजा खा रही है त्रिफला चूर्ण, और ईजा की स्वास्थ्य खराब हो गया दोस्तों, तो छोटे से लेकर बड़े तक चिंतित हो जाते हैं बहुत। आज ईजा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। और तू क्या खा रही है? इससे क्या हो, गैस सही होती है इससे? हाँ, ईजा की आज तबीयत खराब हो गई दोस्तों, और ईजा की बहुत वो है। और बड़े भाई साहब का भी फोन आ गया फैक्ट्री से, और आन भाई भी बोल गए, मैं भी कह रहा हूँ चलो डॉक्टर के वहाँ। और देखिए भावना क्या बना रही है, मैं देखता हूँ अभी। हाँ, भावना क्या बना रही है? तो आप भावना बना रही खिड़की और कार की प्यार देखिए दोस्तों। और देखिए ये आज लाइट भी नहीं है, थोड़ा पंखा भी नहीं चला, गर्म बहुत हो रहा है। और देखिए झूले कर रहे हैं बच्चों के इंतजार, बच्चे सब गए स्कूल। दोस्तों देखिए ये तीनों झूले खा लिए हैं आज, अभी आएंगे 1 बजे, इसमें सब बच्चे लाइन से सोएंगे। ये और भावना काट रही है प्याज खिचड़ी के लिए। और दोस्तों भावना देखिए मसाला इकट्ठा कर रही है, देखिए खिचड़ी के लिए कर रही है मसाला इकट्ठा, ये खिचड़ी के लिए मसाला इकट्ठा, इसमें यहाँ पर रख दिया। और देखिए किस रेसिपी, ये पहाड़ी लाइफ स्टाइल में खिचड़ी बना रही है। और ये कुकर में रखा है, ये है आलू, ये आलू भी रखे हैं। और ये डाल दिया जीरा, भावना ने जीरे का तड़का मार दिया। डाल दिया प्याज, आज ये गांव की लाइफ स्टाइल में देखिए बना रही है खिचड़ी। पहले जीरा और प्याज, और ये बना रखा है मसाला देखिए, हल्दी और खिचड़ी का और मसाला और टमाटर और अभी ये काला भी हुआ है। अब यहाँ पर धो रही चावल, देखिए चावल भिगो के रखे हैं पहले। ये देखिए हो गया थोड़ा ब्राउन टाइप का, और अब डाल दिया इसमें हल्दी मिर्च और टमाटर। देखिए देखिए अब मसाला पक रहा है। देखिए मसाला पक रहा है, देखिए ब्राउन बिल्कुल हो गया, और देखिए पक चुका है पूरा मसाला, पक चुका है। देखिए अब डाल दिए इसमें आलू, देखिए देखिए
और अब दाली चावल, ये दाली चावल, ये पहाड़ी लाइफ स्टाइल की खिचड़ी हो गई दोस्तों। देखिए ये पहाड़ी लाइफ स्टाइल में जो खिचड़ी गांव की स्टाइल में ये खिचड़ी बन चुकी है। ये देखिए ये देखिए ये डाल दिया पानी। ठीक है, भावना पूछती है कैसे बनानी है, मैंने कहा जैसे तेरे को अच्छा लगे वैसे बनाओ। ये देखिए ये देखिए देखिए अब लगा दिया इसको ढक्का, ये देखिए ढक्का लगा दिया है, अब 15 मिनट में उतर जाएगी और रेडी हो गई पहाड़ी लाइफ स्टाइल गांव की स्टाइल देशी खिचड़ी। देखिए खिचड़ी हो गई रेडी और ईजा दीदी खिचड़ी देखिए खिचड़ी भावना के लिए बाहर उतर गई है और देखिए ये बन गई देशी स्टाइल में खिचड़ी, गांव की लाइफ स्टाइल में खिचड़ी। ये देखिए खिचड़ी बन गई। और दोस्तों अगर आपको भी खिचड़ी खानी है ये देसी गाय के घी के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको भी खिलाई जाएगी दोस्तों खिचड़ी। दोस्तों मैं चख रहा हूँ काफी गर्म है दोस्तों आपको दिखानी है तो आप आइए, लेकिन आपको काफी दूर है दोस्तों हमारे घर कभी आइए आपका वेलकम है। उत्तराखंड के जिला नैनीताल के मैं एक छोटा गांव चूला खान है, आप वहां जरूर आइए, आपको हम देसी खिचड़ी जिसे कहते हैं गांव की लाइफ स्टाइल में हमने बनाई है आपको जरूर खिलाएंगे। फिलहाल मैं अभी खिचड़ी खाता हूँ। और दोस्तों निकिता भी आ गई स्कूल से, देखिए अभी दिन का बज गया है एक और बच्चे भी अभी आने वाले हैं 1:30 बजे आएंगे और निकिता आ गई और निकिता ने की है बड़ी शरारत, देखिए यहाँ पर शैतानी करने में लगी है ये, देखिए ये अम्मा से चीज मांगने लगी दोस्तों, अम्मा ने चीज दे दी हुई इन्हें जरूर। ये देखिए अब पानी पीने लग गई और निकिता देखिए निकिता दोस्तों खिचड़ी खाएगी अब निकिता, अब आ गई स्कूल से निकिता, देखो निकिता पानी पी रही है, निकिता पानी पी रही है, ये देखिए मेरी बेटी निकिता निकिता खिचड़ी और दही भी है तेरा, अरे दही भी है बोल निकिता, दही निकिता खिचड़ी के साथ दही खाएगी, देसी स्टाइल वाली खिचड़ी बनाई है, देखिए ऐसे बनती है देसी स्टाइल की खिचड़ी। ये देखिए दोस्तों आज सारे लोग गए हैं कहीं फंक्शन में, बच्चे भी और स्कूल से नहीं आए हैं और भाभी वो सब गए हैं वहाँ, ईजा सो गई है माताजी हमारी और देखिए माताजी भी खा के सो गई और देखिए निकिता और निकिता की मम्मी भावना खा रहे हैं, ये देखिए देसी स्टाइल में खिचड़ी बनी हुई, ये देखिए निकिता ऐसे खा रही है, देखिए ये निकिता खिचड़ी अच्छी हो रही है, अच्छी हो रही है, हाँ देखिए निकिता ऐसे खिचड़ी खा रही है, देखिए ये खिचड़ी
निकिता देखिए खिचड़ी खा रही है और निकिता कह रही है बहुत अच्छी बनी है। देखो ये निकिता हमारी उल्टी बाएं हाथ से भी लिखती है और अभी भावना का पेट नहीं भरा है। देखिए भावना भी खाने में है अभी। ये देखिए ये निकिता देखो कैसे खा रही है। ये देखिए ये दोस्तों देखिए निकिता कह रही है मैं अभी तो बहुत खाऊंगा। बोल देखिए दोस्तों मैं ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।